हम सभी को अपने मोबाइल के अंदर बेस्ट पॉसिबल कैमरा चाहिए होता है, लेकिन भाई थोड़े सस्ते फोन्स में उतना अच्छा कैमरा देखने को नहीं मिल पाता है या फिर कुछ दिक्कतें होती हैं, तो उन सभी का सॉल्यूशन है गूगल कैमरा। और ये जो नया वाला Redmi Note 11 है, इसके अंदर है Snapdragon 680 प्रोसेसर और ये डिवाइस गूगल कैमरा सपोर्ट करता है। आपके सामने भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखो भाई, रॉ सपोर्ट है इसके अंदर, इसका मतलब ये गूगल कैमरा सपोर्ट करता है ये। और अगर सपोर्ट करता है तो कौन सा करता है वो हम बताएंगे आपको, क्योंकि हमने टेस्टिंग कर रखी है डिफरेंट गूगल कैमरास को। और ये वाला जो गूगल कैमरा नीचे वाला, इसका वर्जन है 8.4.300। और डेफिनेटली अगर आप दूसरा फोन यूज करते हो जैसे कि 600 सीरीज का, 700 सीरीज का, तो आप एक बार ये गूगल कैमरा ट्राई कर सकते हो, शायद आपके फोन में भी चल सकता है, क्योंकि सेम गूगल कैमरा बहुत सारे डिफरेंट फोन्स में चल जाता है और ये काफी स्टेबल वर्जन है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ट्राई करो। डोंट वरी, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए कि कैसे परफॉर्म कर रहा है ये, तो देखो भाई काफी ज्यादा स्टेबल, आप लोग हम दिखा देते हैं एक बार ऑन करके। सिंपली आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए कि कैसा ये स्टेबल है, 2x इसका काम कर रहा है, 1x का काम कर रहा है, पोर्ट्रेट इसका काम कर रहा है। देखो पोर्ट्रेट अपना 2x पे भी काम कर रहा है अच्छे से। उसके बाद वीडियो मोड है, वीडियो मोड भी इसका काम कर रहा है आराम से, 1x पे, 2x पे, और ज्यादा जूम करना है तो इवन की 5x पे। वीडियो मोड पर स्लो मोशन से काम नहीं कर रहा, क्रैश हो जाता है एप्लीकेशन। उतना सह सकते हैं, फ्यूचर में और स्टेबल वर्जन आएगा तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे हम अपडेट कर देंगे। अच्छी बात है कि टाइम लैप्स यहाँ पे काम कर रहा है, 10x, 30x, 120x, 1x सब काम कर रहा है आराम से। यहाँ पे नाइट मोड भी काम कर रहा है, इवन की यहाँ पे आपको एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड भी है, मतलब कि रात में अगर आपको तारों की फोटो लेनी है तो आप ले सकते हो, लेकिन इसको ट्राइपॉड पे माउंट करना पड़ेगा, एकदम स्टेबल रखना पड़ता है और 5-6 मिनट में एक फोटो निकालता है भाई, काफी तगड़ी फोटो होती है। मोड सेटिंग्स के अंदर आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, बस सेव सेल्फी एज प्रीव्यू को ऑन कर देना, क्योंकि इससे सेल्फी थोड़ी सी सीधे आती है, ऐसे उल्टा नहीं आएगा। और दूसरा चेंज है एडवांस में, आपको यहाँ पे आके कैमरा रॉ को ऑन करना है, एसडीआर कंट्रोल और रॉ जेपेक को दोनों को ऑन कर देना है। सो डेफिनेटली रेडमी नोट 11 के लिए काफी स्टेबल वर्जन है, तो अभी थोड़ी सी इसकी टेस्टिंग कर ली जाए। आउटडोर में आ गए हैं, काफी सारी चीजें होती है टेस्ट करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। लेट्स स्टार्ट। सो अगर कंपैरिजन की बात की जाए नॉर्मल कैमरा वर्सेस गूगल कैमरा की, तो ये है अपनी नॉर्मल मोड की फोटो और ये है गूगल कैमरा की भाई। और अगर डिटेल्स की बात करें और अगर बात करते हैं नेचुरल फील की, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। Redmi Note 11 का कैमरा काफ़ी हल्का सॉफ्ट कर रहा है, स्किन को एकदम ब्यूटीफाई कर रहा है और एज डिटेक्शन भी अच्छा नहीं है, लेकिन गूगल कैमरा भाई काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प फोटो लेता है, एकदम डिटेल काफ़ी अच्छी है, फेस टोन एकदम नेचुरल है और लुक एंड फील में मच बेटर फोटो है, एकदम DSLR लेवल वाली फोटो जो होती है ना वही आ रही है। नॉर्मल फोटोज की बात की जाए तो हल्का सैचुरेशन को ऐड करता है यहाँ पे गूगल कैमरा, लेकिन क्वालिटी एंड डिटेल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू Redmi Note 11 का कैमरा। सेल्फी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सेल्फी Redmi Note 11 का, और अगर आप देखो फेस टोन तो भाई पूरा एकदम गोरा वोरा कर दिया। लेकिन अगर बात करते हैं गूगल कैमरा की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेस टोन एकदम नेचुरल, हल्का सा रेड टोन वाला फेस टोन आ रहा है और क्वालिटी भी नेक्स्ट लेवल है और फिल्म का एस्पेक्ट रेशियो भी बिल्कुल सेम टू सेम है। तो डेफिनेटली भाई गूगल कैमरा काफी ज्यादा अच्छा, और आप इसको आराम से यूज कर सकते हो, एकदम स्टेबल है। शटर स्पीड कंपेयर कर लेते हैं, तो ये Redmi Note 11 का है और ये गूगल कैमरा का है। हल्का सा स्लो है गूगल कैमरा, लेकिन भाई उतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो लास्ट फोटोज में, यहाँ पे आप आराम से आगे एडिट में क्लिक करोगे और यहाँ पे आप आराम से गूगल कैमरा का एडिटर यूज कर सकते हो, फिल्टर से यहाँ पे, और काफी कुछ है। इस गूगल कैमरा की वीडियो कैमरा की बात कर लेते हैं, प्ले कर दिया है और इसके अंदर स्टेबलाइजेशन मोड भी है। सो एक बार थोड़ा सा जल्दी चलते हैं, देखते हैं कैसा है, हल्का सा हिला रहा होगा। स्टेबलाइजेशन भाई, स्टेबलाइजेशन एडिट में आके आपको यहाँ पे एक बटन मिलता है स्टेबलाइजेशन वाला, इसको स्टेबलाइज कर देते हैं, डिफरेंस आपको दिख जाएगा। सच में काफी अच्छा काम करता है। वैसे ये क्यों लगा रखा है मैंने, क्योंकि ये है बोट निर्वाणा 751 एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन 4000 में। इसकी वीडियो आ गई है, चेकआउट कर लो अपने वीडियो में अपना ऐड। तो सच में बहुत दिनों से गूगल कैमरा का बहुत ही बड़ा फैन रहा हूँ भाई, और बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं। Redmi Note 11 पे काफी सही लगा गूगल कैमरा ट्राई करके, होपफुली आपको भी समझ में आ गया होगा। तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर ऑसम टेक कॉन्टेंट। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो के साथ, और Redmi Note 11 का फुल टाइम रिव्यू बहुत जल्दी आ रहा है, उसके लिए वेट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।